कल हम आप भगवान की सुशुभाल विनोद लीला और यज्ञ रक्षा नगर भ्रमण पुष्प वाटिका तक का प्रसंग आए थे। आप सभी विज्ञजन सुधजन भागवत जन का बहुत बहुत स्वागत है। आपको स्मरण होगा भगवान गुरुदेव विश्वामित्र जी के सानिध्य में राम लक्ष्मण प्रभु भोजन के पश्चात विश्राम में थे। प्रातः काल श्री सतानंद जी महाराज ने आग्रह किया मिथिलेश से कि महाराज आप व्यवस्था परिहार में चले, मैं मुनि जी को लेकर स्वयंवर स्थल पर आता हूँ। विश्वामित्र जी के पास सतानंद जी महाराज जब पधारे और यह संकेत किया कि अब स्वयंवर स्थल पर आशीर्वाद देने पधारना है आपको, विश्वामित्र बाबा बड़े हर्षित हुए और मुनिमंडली शिष्यों के साथ में स्वयंवर स्थल पर प्रस्थान कर गए। राम लक्ष्मण प्रभु जब पहुंचे हैं मिथिला के स्वयंवर स्थल पर तो छवि अद्भुत है। राम जी किसको कैसे लगे, विद्वानों को भगवान विराट स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, भागवतों को अपने भगवान का दर्शन हो रहा है, जनक जी के स्वजन परिजनों को पुत्र भाव का दर्शन हो रहा है, सखियों को प्रेम का दर्शन हो रहा है, राक्षस लोग असुर जो राजवेश में बैठे थे उनको अपने काल का दर्शन हो रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं किसकी किसकी कहूं, जिनके रही भावना प्रभु मो जिसका जैसा हृदय सोचता है वैसी सृष्टि दिखती है। अच्छी बात भी किसी को कहिए अब भाव में रुगणता रखता हो तो उसको अच्छी बात भी बुरी सी ही जान पड़ती है। हम जो कहते हैं व्यक्ति वहां से नहीं सोचता है, वो जो सोचता है वो वहीं से सोचता है। बात वह नहीं जो कही जाए, बात वह है जो समझी जाए। ये बड़ा कठिन है। कौन क्या कितना कैसे समझता है इस पर उसका अर्थ आधारित है। कई लोग परेशान रहते हैं अपने सत्यवादिता के कारण। परेशान न रहिए, न बोलना ज्यादा अच्छा है। स
सत्य का आश्रय लेकर कड़वा बोला जाए इससे अच्छा है चुप रहा जाए, तो भी ठीक है कि मुकदमा नहीं होगा। एक कोई गीत है व्यास जी ने, कम से कम विष मत घोलो, सत्य वचन यदि कह न सको तो झूठ। गीत क्या है? भला किसी का कर्म से। हाँ भला सुनिए, दो अंतरे। I'm gonna say.
किसी का मर सको तो